एंड तक वीडियो को देखना है ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए और आपको भी समझ आए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा वीडियो की पसंद आने की सूरत में आपने लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है। एक खाने का चम्मच मैंने डाला है घी एक पैन में, और यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ आधी चाय की चम्मच के करीब, यानी कि आधी चाय की चम्मच नहीं है, सफेद जीरा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। बहुत ही जबरदस्त चटनी है, आप 2-3 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं, रमजान के लिए बना के रखी है इफ्तार में, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ जो है ये बहुत ही जबरदस्त लगती है, बहुत मजा आता है इसको खाकर, तो बहुत आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ बताती रहूंगी, आपने बस एंड तक वीडियो को देखना है। जीरा कड़कड़ा चुका, तो अब मैं 100 ग्राम गुड़ शामिल करूंगी। गुड़ को जो है ना वो मैंने कूट लिया है ताकि अच्छा सा जो है ये मेल्ट हो जाए, और हम इसको एक दफा चला देते हैं और फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो पर कर देते हैं ताकि गुड़ जले ना हमारा, और तब तक के लिए जो है जब तक हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होता है मैं आपको बताती हूँ मजीद आगे की तरफ चलने का। जो है यहाँ पर मेरे पास है इमली का पल्प, 1 कप इमली का पल्प है मेरे पास, जो मैंने 2-3 घंटे पहले इमली भिगोई हुई थी, गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल दी हैं, और ये 100 ग्राम से कुछ ज़्यादा इमली थी जो मैंने, अब मेरे पास 1 कप जो है पल्प हासिल हो गया है मुझे, तो मैं इसको ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि इसमें मौजूद कोई भी जो इसके अज्जा हैं वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अच्छा जी, तो अच्छे तरीके से हो चुका है मेल्ट हमारे पास जो गुड़ था, ये देखें एक गुठली रह गई, तो हमारे पास जो गुड़ था वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इमली का पल्प इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमली का पल्प शामिल करने के बाद इसको हम पकाएंगे जब तक के ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब जो इसमें चीजें मैं शामिल करूंगी उसमें है हसबे जायका नमक आधी चाय के चम्मच में लिया है, दड़ा मिर्च है आधी चाय के चम्मच, लाल मिर्च 2-3 चुटकी, और ये अजवाइन है 2-3 चुटकियां, और ये जीरा है 2-3 चुटकियां, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला था, गरम मसाला पाउडर, तो अब हम इसको पका लेंगे जी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अभी ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा सॉस हमारा, तो अभी ये तैयार नहीं है, लेकिन अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच जो है सफ़ेद तिल। बहुत जायकेदार लगते हैं, बहुत मज़े की चटनी बनती है, तो हमने सफ़ेद तिल 1 चाय का चम्मच डाल दिया इसमें, और इसको चलाएंगे गाढ़ा होने तक। जी तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, इसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने पहले से ही बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं कर लेना करना इसको, इतना रखना है कि जब हमारे पास ये ठंडा हो जाए तो उसका गाढ़ापन जो है वो हमें जितना दरकार है उतना रह जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको गाढ़े से थोड़ा सा पतला रखना है हमें, इसको ठंडा करते हैं फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी चटनी जो है इमली और गुड़ की चटनी जो है तीनों वाली वो तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है, जरूर ट्राई करना है आपने और मुझे कमेंट करके बताना है पसंद आने की सूरत में, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है और शेयर भी करना है वीडियो को, नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और प्लीज वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। समोसों पकौड़ों के साथ ये चटनी लाजवाब है, आप इसको 2-3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और बहुत ही मजेदार चटनी है। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है कम या ज्यादा, खट्टी मीठी ये चटनी जो है बहुत ही लाजवाब है, इफ्तार के लिए दस्तरखान की जीनत बढ़ा देगी, जरूर आपने ट्राई करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।